सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। यह सच हैरान कर देगा, हॉस्टल में रह रही लड़की के साथ हुई अश्लीलता। वो रात को अजीब हालत में घूमता था। सांगली शहर के करनाल मार्ग यहाँ पर स्थित पसाईदन हॉस्टल में हैरान करने वाला मामला उजागर हुआ है, जहाँ हॉस्टल के वाहन चालक ने लड़की का विनय भंग करने की बात सामने आई है। एक युवती के तकरार पर से संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अनंत कुमार अंगड़ी, इनके साथ मुख्याध्यापक, चालक और खाना बनाने वाली वर्षा रानी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन में विनय भंग बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार केस दर्ज किया गया है। सांगली यहाँ करनाल मार्ग पर स्थित महिला वसाती गृह है। इस हॉस्टल में 23 लड़कियाँ रहती है। पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राएं हैं। करांडे ये वहाँ के मुख्य अध्यापक है। संजय किणीकर और उनकी पत्नी वर्षा रानी यहाँ देख रेख करती है। संजय किणीकर संस्था की गाड़ी पर चालक के तौर पर काम करता है। जिस रूम में यह लड़कियाँ सोती है उस रूम को डोर लॉक नहीं है। चालक संजय और उसकी पत्नी दोनों भी उसी हॉस्टल में एक रूम में रहते हैं। बताया जा रहा है कि रात के वक्त अर्धनग्न अवस्था में बाहर घूमता था संजय, जिसके बाद वसाती गृह के मुख्य अध्यापक और चालक पर कार्रवाई की जा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।